जुल्लूर दादा, इन दिनों जो है बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा वायरल हो गए, कैसे संभव हो पाया? अरे मेरे भाई मीडिया भाई, मैं इतना कम समय में बुढ़ा हो चुका हूँ, आप बोल रहे हैं इतना कम समय में वायरल हो गया, क्या आज तक इतना दिन कहाँ थे? मैं मेरे कहने पूछने का अर्थ, आज तक मान लीजिए बहुत दिन जवानी जब रही तो आप वायरल नहीं हुए, आप बुढ़ापे में आप वायरल हो गए, ये जानने की बात है। हाँ तो ऐसा ही बोलने का। तो मेरे भाई आप कहाँ से हैं? हम लोग कुशीनगर से। कुशीनगर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका चैनल क्या है? समाचार वाले रिपोर्टर। समाचार वाले रिपोर्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने पूछा कि इतने दिनों आप कहाँ थे, तो ऐसा है, मैंने जो बचपन से अपने आप को जो इस कला के क्षेत्र में समर्पित किया था, लेकिन कुछ राम जी की कृपा ही ऐसी जगह पे अटकी थी कि मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आज दर्शकों का प्यार दुलार मिल रहा है। तो शायद वो दिवाकर, हमारे दिवाकर शर्मा जी हैं, शायद मेरी कृपा उन्हीं पे अटकी थी। मैंने 99% मैंने बहुत रियाज किया, मेहनत किया, लोगों में छवि बनाने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन जब से मेरी जिंदगी में दिवाकर शर्मा जी आए, ये जो शुभ पावन स्थान देख रहे हैं, राम जी का मंदिर है पीछे, यहीं से हमारी जो शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ है। तो इसीलिए मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं, जो लोगों के बीच में इतनी छवि आप लोग देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जो है दिवाकर जी को देना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जो 99% मैंने मेहनत किया, बहुत लोगों का मेरे पीछे हाथ है, जनता का भी हाथ है, जो आज देख रहे हैं उनका भी प्यारा आशीर्वाद है। तो ये तो मुझे जो है मेरे मेहनत को उस प्लेटफॉर्म पे रखने का कार्य किया है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए प्लस पॉइंट है। जुल्लूर दादा, आपको बनारस से ढूंढते ढूंढते हम लोग गोरखपुर आ गए जी। जिस गाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, सुनने के बेकरार हैं, वो गाना सुना दीजिए कि ताकि जो वायरल हो रहा है इन दिनों, जो गाना वायरल हो रहा है वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। अच्छा, वो सुनाने का मैं प्रयास करूंगा जी। तो मैं थोड़ा सा इस गाने के बारे में बता देता हूँ। मैं एक कॉमेडियन मैन था, जो जुल्लूर दादा के नाम से मैं जाना जाता हूँ, और जुल्लूर दादा के नाम से एक मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है जिसमें मेरी कॉमेडी पढ़ा करते थे। लेकिन जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला अनुराग इंटरटेनमेंट के माध्यम से, तो ये सबसे मैं कहना चाहूँगा कि जो ये आप वो आवाज़ में कुहूक जैसा होता है ना, वो आप लोग देखते हैं ना, बता दो बताया नहीं ना। ये जो मेरी कोयल जैसी आवाज निकलती है, वो फीलिंग किसकी आती है? मुझे नहीं। तो ये रागनी की ही देन जो गाती है ना, मैं गाते गाते जब ये गा रही थी तो मैंने इसकी तरफ देख रहा था, अन्यथा मैं कॉमेडी करता था। तो मैं जब देखा इसको तो ये गा रही थी कोयल जैसी, तो मेरे करेजवा में कुहूक जैसा हुआ, तो मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया। तो मैं इसकी आवाज में तार मिला के जब गाया, तो मेरे को खुद को भी नहीं भरोसा हुआ कि जुल्लू इतना बढ़िया गा सकता है। अच्छा, उस दिन तो मेरे को ऑडियंस ने या पब्लिक ने नहीं देख पाया था, क्योंकि वो लाइव चल रहा था। अच्छा, वही चीज वीडियो को जब दिवाकर शर्मा जी ने अपने कैमरे में कैद करके जब अपने अनुराग इंटरटेनमेंट के माध्यम से या अनुराग कॉमेडी के माध्यम से जब उन्होंने डाला, तो लोगों में ब्लास्ट कर गया मैं और रागनी। तो यही मेरी कहानी है, जो आज जनता का प्यार मिल रहा है, और मीडिया भाई आप सबके भी माध्यम से बहुत अच्छा प्यार दुलार मिल रहा है, जो आप इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस ग्राम सभा में आए हुए हैं दादा को देखने के लिए। जुल्लूर दादा, आपकी मुलाकात अनुराग सर से कैसे हुई थी? मेरी मुलाकात तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल पे मेरा एक जुल्लूर दादा की कॉमेडी है, तो मैंने अपने मिट्टी से जुड़ी हुई कुछ ऐसे चुटकुल्ले टाइप में कॉमेडियाँ बनाया करता था। नहीं, आपकी मुलाकात कहाँ से हुई? नहीं, मेरे भाई की गाना वायरल हुआ था। सुन ही नहीं रहे आप मीडिया। तो कुछ यूँ ही हुआ, जब उन्होंने मेरी कॉमेडी देखा तो मेरे को फोन करके बुलवाया, रागनी और दिवाकर भाई ने। अच्छा, इसमें बात हुई थी, कई सारे लोगों का योगदान है, तो माध्यम किसका था? ये जो बैठी है चंदा भाजी, आप देख रहे हैं इसे। नमस्ते। नमस्कार। ठीक है?
चंदा भौजी से संपर्क हुआ, डायरेक्ट मेरे से संपर्क नहीं कर पाए। तो चंदा भौजी ने बोला दादा आपको एक दिवाकर शर्मा करके हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपका कैरेक्टर उनको पसंद आया है तो आपको बुलवाए हैं। तो मेरी जो इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई यहीं से हुई। आपकी ऊंचाई के कहीं ना कहीं हाथ उनका भी है, ऊंचाई जितने लोग यहाँ पे हैं उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप दिवाकर जी से मिले। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पीछे बहुत ही लोगों का बलिदान है, मतलब बहुत हर मोड़ पे मैं माने कि मेरे को भगवान जैसे सब लोग मिले हैं। ये जितने लोग यहाँ पे हैं, ये बैठी हैं, आप देखे होंगे मेरे कॉमेडी में एक फुलन भाभी, इन्होंने भी कॉमेडी किया है, और ये बैठी हैं, एक बार बनारस में मुलाकात हुई थी दिवाकर शर्मा के माध्यम से, इनके साथ में भी मैंने कॉमेडी किया है, और ये जितने भी हैं हमारे हाँ व्यूअर्स हैं, और हमें कहीं ना कहीं कमेंट कर करके मेरा उत्साह बढ़ाने का कार्य किया है, ये जो सुंदर चेहरा आप लोग देख रहे हैं। हाँ यूं ही ऐसा कुछ है। थोड़ा चाहेंगे कि थोड़ा गाना वो सुनाइए जिस गाने को लेकर के आप वायरल हो रहे हैं। आप वायरल हुए थे उन्हीं के साथ में सुनाइए। अच्छा मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। ये गाना सिर्फ आपका ही है कि इनका भी है, रागिनी जी का भी? रागिनी भी गाए थे। हाँ तो वो भी गाएंगे साथ में, घुमा दीजिए। लेकिन जब मैं गाया ना तो मेरे अंदर पता नहीं इसकी एनर्जी मेरे अंदर आ गई, तो मैं एक तार ऊपर एक सुर ऊपर लगा दिया, तो मेरे से ये थोड़ा सा नीचे हो गई, आप वीडियो में देखिएगा। लेकिन लेकिन फिर इन्होंने प्रयास किया, तो अब आज तो तैयारी करके आई है ना रानी? नहीं चलिए मैं सुनाने का गाएगी ना। हाँ, गाएगी। हाँ, मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। वही गाना जो आज 10 लोग हमारे लोग पसंद कर रहे हैं, इंडिया में ही नहीं पूरे आउट कंट्री में से गाना है आपका भी मालूम है ना, ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आपको कैसे पता चला? सोशल मीडिया चलाते हैं ना, पता है ना। ओ, क्या क्या नाम है आपका? ऋतिक राज। ऋतिक राज, आपका चैनल क्या है? ऋतिक राज ब्लॉग। ऋतिक राज ब्लॉग जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाने का प्रयास करूँगा। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। ओ ऐसा ही कुछ मोमेंट हुआ था ना। हम अपने प्यार की ये बारिश इन पे बरसाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरे दिल बजाने वाले हैं। ऐसा ही कुछ कीड़ी था मेरे अंदर जो मैंने गाना गाया। चलिए नया गाना कोई सुनाइए जो वायरल हो जाए, अब जो है सोशल मीडिया के चलते ये गाना तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक तो गाना कोई भोजपुरी से हो, पूर्वांचल जो क्षेत्र है भोजपुरी क्षेत्र से आता है। अच्छा, एक भोजपुरी गाना आपके द्वारा बिना डफली के हो, इसलिए जो वायरल गाने हुए बिना डफली के हो। जय चंदा भाभी का मोटी मोटी आप देख रहे हैं प्यारी प्यारी सी, मैं इनकी आंखों की तारीफ करना चाहूंगा। हो जाए। आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है। चारों ओर ये कैमरा नहीं, क्यों तो रखिए ना जाए। हाँ ये तो है ना, मेरे को दिखता भी कम है ना। तो मैं चंदा भाभी के लिए मैंने थोड़ा सा एक गीत तैयार किया है जो पवन सिंह का गाना गाया हुआ है भोजपुरी में। कि अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू, कि अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू,
अरे नहीं आ के न्योता अरे जहिया से पिठोले बाड़ू कौन सा अरे वढ़नी के कोरे अपना अरे चबावे लो दांत से अरे पागल का दिल है बाड़ू अरे पहल के मुलाकात से ये चंदा भाभी के लिए पूरा गाना याद नहीं है बहुत सुंदर अच्छा है ना बहुत कैसा लगा बहुत तो लव यू बोल दो उड़ान के लव यू ना बोल ऐसा नहीं है देखो आप लोग जो है ना प्यार का गलत अर्थ निकालते हैं चंदा जी मैं आपसे आप प्यार का गलत अर्थ निकाल रहे हैं मतलब प्यार तो ईश्वर का रूप होता है खूबसूरत एहसास हाँ खूबसूरत एहसास जी दादाजी लव यू प्यार ईश्वर का रूप है तो किसी से भी करेंगे किसी के भी पत्नी से क्या तो ये तो समाज ने पत्नी बनाया है समाज ने पत्नी बनाया आप दूसरे की पत्नी लेकिन वहाँ से जब दूसरे की पत्नी को अपना पत्नी बनाइए नहीं ए बुराड़ी में आई है अभी बोल रहा है कहीं दादा कमर सर जाएगा तो ये देखिए ये देखिए इस पे गाना बनता है दादा अरे बूढ़ा हुआ पतोहिया फसा जैसे जब गाना आपका वायरल हो रहा है देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो है नजर आपके भाइयों पर नजर पड़ रही है ऐसा क्यों ऐसा नहीं है हाँ और तो आप अपने मन की फीलिंग बता रहे हैं आपकी सोच ऐसी होगी ए गाना गा रहे सोच जो, जो जैसा सोचता है उसको वैसा ही दिखता है चलिए अपने लिए गीत जो है रागनी जी गाना गा रही है आपके लिए रागनी जी गाना गा रही है बड़ी अच्छा गा रही है सुनाइए रागनी जी सुनाइए मीठी मीठी मुस्कान के साथ लव यू अलग माजा मारे बूढ़ावा तो फसाई के बेटावा के अपने बम्बई पेठाई के मजा मारे बुढ़ावा पतोहिया फसाई के अब बुढ़ावा 64 पतोहिया 16 वाह 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 है ना आगे आगे, आगे। मन निकाल लिए अपने मन फंस गए बाबा फंस गए झूलर बाबा फंस गए आप मैं फंसा नहीं हाँ फंसाई फंसाया गया है देखो सबको अपना अपना प्यार करने का तरीका है तो कोई गाली देता है वही है तस्वीर बदलता है क्या बात है क्या बात है सुना दीजिए मीडिया भाई शीशा वही है जो तस्वीर बदलता है शीशा वही रहता है तस्वीर बदलता है और रागनी वही है जो मेरी तकदीर बदलता है क्योंकि रागनी नाम ही है तो राग जब मैं अलापता हूँ तो वो कुहक जैसा जो मेरे करजवा में से वो होता है तो वही मेरी फनकार बन जाता है झूले बाबा चलते चलते अंतिम सवाल जो है हम लोग दर्शकों को क्या सुन संदेश देना चाहते हैं तो दर्शकों को तो आपने कुछ ऐसे मोड़ पे ला दिया कि मैंने मेरे को ज्ञान की बात करनी पड़ेगी जैसे कामयाबी को लेके बताइए तो मैं जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं जितने भी हमारे न्यूज चैनल के रिपोर्टर भाई आए हुए हैं सबसे पहले सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ इस पावन धरा पर श्री रामचंद्र जी की भूमि है यहाँ पे उनका स्थान भी है तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कामयाब बनना है तो जीवन में किसी की ना सुनो सिर्फ अपनी सुनो अपने दिल की सुनो और अपना वर्क करते जाओ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है मित्रों समाज कहीं ना कहीं आपको गुमराह करता है कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित करता है लेकिन आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए कभी मत ध्यान दीजिए कि आप प्रताड़ित हो रहे हैं अच्छा लेकिन ऐसा कोई काम मत करिए कि जिसमें किसी का नुकसान हो या किसी को ठेस पहुंचे अन्यथा आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं तो यही दर्शकों से कहना है बहुत बहुत धन्यवाद।